ना। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, एसक्यूएल सिंटैक्स। यानी कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें उसके सिंटैक्स रूल्स पढ़ने चाहिए ना, कि क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस या क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होंगे जिससे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर या मिस्टेक ना हो। तो स्टूडेंट, एसक्यूएल के भी कुछ अपने सिंटैक्स रूल्स हैं, उन सिंटैक्स रूल्स को हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। एसक्यूएल फॉलोज सम यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस कॉल्ड द सिंटैक्स रूल्स। एसक्यूएल भी कुछ रूल्स या गाइडलाइन फॉलो करती है जिनको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स रूल्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर्स आप अच्छे से जानते हैं, सी में पढ़ी होती है हमने। सिंटैक्स एरर क्या होती है कि जो हम कमांड्स लिखने में गलतियां करते हैं तो वो सब क्या कहलाती है, सिंटैक्स एरर कहलाती है। तो उन सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करने के लिए या चाहते हैं कि सिंटैक्स एरर ना आए तो हमें सिंटैक्स रूल्स को अच्छे से समझना होता है। तो सबसे पहला रूल क्या है, हियर वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द बेसिक सिंटैक्स रूल्स। यहाँ पे जो भी बेसिक सिंटैक्स रूल्स थे वो सब अभी अवेलेबल कराए गए हैं, जैसे कि एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अभी तक आपने जावा, सी, सी प्लस प्लस पढ़ी है, ये सभी लैंग्वेजेज क्या है, केस सेंसिटिव होती है। यानी इसमें प्रॉब्लम ये रहती थी कि आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का यूज कर लेते थे तो एरर आ जाती थी। यानी जो सी, सी प्लस प्लस या जावा है वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर को डिफरेंट लेटर अंडरस्टूड करती है, लेकिन एसक्यूएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी भी तरीके से कमांड्स का यूज करें, लेटर्स को लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी। ये तो बड़ा आसान रूल हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है, जनरली एसक्यूएल कीवर्ड्स आर रिटन इन द अपर केस। ये हम अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रोग्राम्स को अच्छा बनाने के लिए ये काम करते हैं कि जो एक्चुअली कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कॉमन वर्ड होते हैं लैंग्वेज के, जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन होती है। जैसे टेबल है, सेलेक्ट है, अपडेट है, कुछ कीवर्ड्स होंगे जो एक्चुअली कंपाइलर में प्रीवियसली डिफाइंड है। इस तरह के वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो उन कीवर्ड्स को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। यानी जनरली एसक्यूएल कीवर्ड्स आर रिटन इन द अपर केस, अपर केस में लिखते हैं, लेकिन यदि आप स्मॉल केस में भी लिखेंगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रोग्राम को रीड करने में प्रॉब्लम होगी कि ये कीवर्ड है और ये आइडेंटिफायर है। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर में कीवर्ड्स को लिखना होता है जिससे कि प्रोग्राम को पढ़ने में सुविधा रहे। नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट लाइन। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो होते हैं टेक्स्ट लाइन पे भी इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी किसी भी स्टेटमेंट को आप सिंगल लाइन में लिखे या मल्टीपल लाइन में लिखे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आप एक ही स्टेटमेंट को एक लाइन में लिख दे या दो लाइन में यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, वी कैन प्लेस द सिंगल स्टेटमेंट या एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन। जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को यानी एसक्यूएल के जो सेंटेंस है उनको सिंगल लाइन में या मल्टीपल लाइन में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये भी अच्छा रूल है आपके लिए जिससे कि प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। यू कैन परफॉर्म द मोस्ट ऑफ द एक्शंस इन द डेटाबेस विद द एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम जो भी एसक्यूएल के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो किससे करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट से करते हैं। स्टेटमेंट आप समझते ही हैं, सी में भी पढ़े हैं, स्टेटमेंट आर द एक्शन ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म इन आवर प्रोग्राम। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वे एक्शंस होते हैं या टास्क होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं, है ना। तो सी में भी डेफिनेशन हमने पढ़ाई है। सी में दो तरह के स्टेटमेंट बताए थे आपको, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो यहाँ भी दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक एग्जीक्यूटेबल और एक नॉन एग्जीक्यूटेबल। नॉन एग्जीक्यूटेबल में जैसे कि कमेंट्स वगैरह आते हैं जिसमें हम अपने डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं, और एग्जीक्यूटेबल में जो हमारे प्रोग्राम्स को रन करते हैं या डेटा को परफॉर्म करते हैं, जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो कोई भी एक्शन जो है हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है, एसक्यूएल डिपेंड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। एसक्यूएल जो है, जो रिलेशनल अलजेब्रा आपको पढ़ाया गया था या रिलेशनल कैलकुलस पढ़ाई थी उस पर डिपेंड होती है। यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के अकॉर्डिंग करते
काम करते हैं, जिस तरीके से रिलेशनल अलजेब्रा में और रिलेशनल कैलकुलस में आपको कमांड्स या एक्शंस कुछ परफॉर्म कराए थे, तो वही सब एक्शंस या वही सब सब टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल में, है ना। और एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी किससे, सेमी कोमा से टर्मिनेट होते हैं, यानी यदि हमें कोई स्टेटमेंट स्टॉप करना है तो हम सेमी कोमा लगाएंगे, तभी वो स्टेटमेंट हमारा स्टॉप होता है, और जब तक सेमी कोमा नहीं लगाते, चाहे हम नेक्स्ट लाइन में भी चले जाए, तब भी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता, यानी सेमी कोमा इज द टर्मिनेटर ऑफ द स्टेटमेंट। सेमी कोमा ही हमारे स्टेटमेंट का क्या है, टर्मिनेटर है या एंड है, जो डिफाइन करता है कि ये स्टेटमेंट हमारा सेमी कोमा से स्टॉप हो रहा है और आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आगे से शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब सिंटैक्स रूल्स थे जो डेटा बेस या एसक्यूएल में यूज किए जाते हैं, और किसी भी डेटाबेस को परफॉर्म करने के लिए या एसक्यूएल की कमांड्स लिखने के लिए हमें इन रूल को फॉलो करना होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं एसक्यूएल की कुछ स्पेशल कमांड्स, कौन कौन सी कमांड हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये ब्रीफ ओवरव्यू है, ये कमांड्स हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। तो एसक्यूएल की जो मेन कमांड्स है वो मैं बता रहा हूँ, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। नंबर वन क्या है, सेलेक्ट कमांड, इट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सेलेक्ट कमांड एक्चुअली डेटाबेस से डेटा को व्यूज के लिए यूज होती है, यानी डिफरेंट टाइप से डेटा को एक्सेस हम करते हैं तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट को बहुत डिफरेंट टाइप से हम यूज कर सकते हैं, और जिस टाइप से डेटा को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, उतने ही तरीके से हम सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, एक डिटेल जो है सेलेक्ट कमांड को हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरी कमांड होती है हमारी अपडेट कमांड, जैसे नाम से ही लिखा है, इट यूज टू अपडेट द डेटा इन द डेटाबेस। जब किसी डेटा को हमें अपडेट करना होता है तो डेटा अपडेट के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी डिलीट कमांड, डिलीट यानी इट डिलीट कमांड यूज टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यदि डेटाबेस से कोई डेटा या रिकॉर्ड हमें डिलीट करना होता है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट कमांड यानी क्रिएट टेबल कमांड, इट यूज टू क्रिएट द न्यू टेबल। जब भी नई टेबल क्रिएट करनी होती है, नया डेटाबेस बनाना होता है, तो हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो इन सब कमांड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी नाम बता रहा हूँ किस कमांड को हम किस लिए यूज करते हैं। एल्टर टेबल कमांड, तो एल्टर टेबल जैसे कि लिखा है, एल्टर टेबल यूज टू मॉडिफाई द टेबल या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। एल्टर टेबल जो है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। टेबल मीन्स किसी पर्टिकुलर टेबल में किसी कॉलम को हम ऐड करना चाहते हैं, या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, या किसी कॉलम का साइज या डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो हम एल्टर टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल यानी इट डिलीट्स द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। यदि किसी टेबल की हमें आवश्यकता नहीं होती तो हम उस टेबल को डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं, और इसके लिए हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट डेटाबेस कमांड, यानी जब एक नया डेटाबेस बनाते हैं तब हम क्रिएट डेटाबेस का यूज करते हैं। इट यूज टू क्रिएट द न्यू डेटाबेस। नया डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस का यूज किया जाता है। एल्टर डेटाबेस मीन्स यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस। यदि कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है एल्टर डेटाबेस के द्वारा। क्रिएट टेबल और एल्टर क्रिएट डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स। डेटाबेस जो है टेबल्स का एक कलेक्शन है। तो जब हम बहुत सारे टेबल एक डेटाबेस में रखते हैं तो इस तरीके से टेबल जो है वो टेबल्स का जो कलेक्शन बनता है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। तो पहले हम डेटाबेस बनाते हैं एसक्यूएल में, और फिर उसके अंदर हम टेबल सेट करते हैं, टेबल स्टोर करते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज टू इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। जब हमें कोई डेटा डेटाबेस में स्टोर करना होता है तो हम इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पूरी कमांड बताएंगे बाद में ना। तो इंसर्ट कमांड यूज टू स्टोर द न्यू डेटा इनटू द डेटाबेस। किसी डेटाबेस या टेबल में नया रिकॉर्ड जब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्रिएट इंडेक्स, जैसा कि नाम ही लिखा है, इट इज यूज टू क्रिएट द इंडेक्स या सर्च की। जब हम डेटा को सर्च करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन इंडेक्स बनाते हैं तो हम क्रिएट इंडेक्स का यूज करते हैं।
और ड्रॉप इंडेक्स यानी यदि किसी इंडेक्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे बुक्स में आपके टेबल या इंडेक्स दी हुई होती है जिसके द्वारा डेटा एक्सेस किया जाता है, डेटा सर्च किया जाता है, तो उसके लिए ड्रॉप इंडेक्स का यूज करते हैं। ड्रॉप इंडेक्स यानी इंडेक्स को डिलीट करना है और क्रिएट इंडेक्स यानी इंडेक्स को क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट ये कुछ एसक्यूएल कमांड्स थी जो हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे और इन सब कमांड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली पूरी जो एसक्यूएल है उसमें ये सभी कमांड्स हम अच्छे से वन बाय वन पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल डेटाबेस या एसक्यूएल डेटा टाइप्स। एसक्यूएल डेटाबेस के जो टाइप्स है यानी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले उसके डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। तो डेटा टाइप्स यानी टाइप, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट आर यूज इन आवर प्रोग्राम। डेटाबेस डेटा टाइप्स जो है किसी भी प्रोग्राम में जो डेटा यूज होता है उसका टाइप डिफाइन करते हैं। यानी डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस। यानी डेटाबेस या एक्चुअल टेबल में जो डेटा स्टोर किया जाएगा उसकी जो नेचर होती है, यानी वो डेटा इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है या बिट्स बाइनरी है, ये सब डिफरेंट टाइप का जो कैटेगरी बनाई जाएगी वो हम किससे बनाते हैं, डेटा टाइप से बनाते हैं। डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल इन ए कॉलम ऑफ टेबल, यदि हम किसी टेबल के कॉलम में वी वांट टू स्टोर द नेम ऑफ द डेटा, यदि हम नेम टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑफ दिस कॉलम। हम इस कॉलम को स्ट्रिंग टाइप का बनाते हैं। यदि हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तब हम उसे न्यूमेरिक या नंबर टाइप का बनाते हैं ना। तो इस तरीके से डेटा टाइप जो है डेटा के टाइप को डिफाइन करता है जो भी डेटा हम अपने टेबल में स्टोर करते हैं। यानी डेटा टाइप मेनली क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। डेटा टाइप जो है थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एसक्यूएल में। स्ट्रिंग डेटा टाइप जैसे कि आप जानते हैं, जैसे नेम है, एड्रेस है, ये सब स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं। नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जिसमें नंबर्स आते हैं, जैसे रोल नंबर है, परसेंटेज मार्क्स है, तो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में आते हैं। और थर्ड आता है डेट या टाइम डेटा टाइप। एसक्यूएल में जो थर्ड डेटा टाइप दिया गया है वो क्या दिया गया है, डेट या टाइम डेटा टाइप दिया गया है। एक्चुअली एसक्यूएल में जो डेट फॉर्मेट है और टाइम फॉर्मेट है उसके लिए भी एक नया डेटा टाइप डिफाइन किया गया है जो हमें सी सी प्लस प्लस में नहीं मिला था ना। तो सी सी प्लस प्लस में हमें डेट नाम से या टाइम नाम से कोई डेटा टाइप नहीं मिला था, लेकिन एसक्यूएल में हमें डेट और टाइम नाम से भी एक नया डेटा टाइप मिला है, तो इसलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप इन ओरेकल। ओरेकल में स्ट्रिंग डेटा टाइप की ये लिस्ट दी गई है आपको। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है जिनके नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिखाया गया है, कैरेक्टर सी एच ए आर ब्रैकेट में साइज। अरे वाह, सी में हमें एक कैरेक्टर डेटा टाइप मिला था जिसमें केवल वन कैरेक्टर एक समय में स्टोर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर के साथ में साइज डिफाइन कर रहा है कि कैरेक्टर जो है हम मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। यानी कैरेक्टर इज यूज टू स्टोर द कैरेक्टर्स डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। यानी पहले से लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 2000 कैरेक्टर्स या 2000 बाइट्स ना। तो 2000 बाइट्स के जो कैरेक्टर होंगे उतने कैरेक्टर हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। यानी कैरेक्टर सी एच ए आर का मतलब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर नहीं है, इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर दैट डिफाइन द साइज। साइज भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। सपोज नेम हमें 20 कैरेक्टर का लेना है तो कैरेक्टर नेम वो सॉरी नेम कैरेक्टर ऑफ 20 साइज डिफाइन करना होता है। सेकंड डेटा टाइप होता है हमारा एन कैरेक्टर। एन कैरेक्टर इज यूज टू स्टोर द नेशनल कैरेक्टर डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। अब कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है ना, इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 2000 बाइट्स। ये भी 2000 बाइट्स तक का डेटा या कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है, लेकिन मेन डिफरेंस एन कैरेक्टर और कैरेक्टर में क्या है कि जो एन कैरेक्टर है वो स्मॉल साइज का वो सॉरी जो कैरेक्टर है वो इंटरनेशनल कैरेक्टर साइज डेटा स्टोर करता है, जैसा स्काई कोड वगैरह में।
लेकिन एन कैरेक्टर जो है, जैसे यूनिकोड वगैरह होते हैं कुछ, जैसे हिंदी इंग्लिश के यूनिकोड होते हैं, यानी नेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडिया का अलग नेशनल कैरेक्टर्स है, चाइना के अलग नेशनल कैरेक्टर है, तो उस तरह के कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम एन कैरेक्टर का यूज करते हैं। सेकंड नेक्स्ट आता है हमारा वेर कैरेक्टर टू, ना? तो एक्चुअली वेर कैरेक्टर टू इज यूज टू स्टोर द वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ, इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 4000 बाइट्स। ये भी हमारा एक्चुअली कैरेक्टर और वेर कैरेक्टर एक ही तरह का होता है, लेकिन जो वेर कैरेट है, वेर कैर इंक्लूड्स द स्ट्रिंग इंटीजर एंड लाइक एड्रेस। वेर कैर जो है एड्रेस टाइप का डेटा स्टोर करता है, जैसा एड्रेस है, जिसकी लेंथ हम 4000 बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझे कि जो कैरेक्टर है उसमें नेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में होता है, लेकिन वेर कैर टू भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करता है, लेकिन ये वेरिएबल लेंथ स्टोर करता है ना, तो वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। नेक्स्ट आता है वेर कैर साइज। वेर कैर और वेर कैर टू जो है दोनों सेम काम के लिए यूज होते थे, जो ओल्ड वर्जन थे उसमें वेर कैर आता था, अब जो न्यू वर्जन है उसमें वेर कैर टू यूज होता है, लेकिन न्यू वर्जन में वेर कैर भी यूज होता है, यानी इट इज सेम एज द वेर कैर टू। तो स्टूडेंट्स वेर कैर और वेर कैर टू दोनों सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इट इज सेम एज द वेर कैर टू साइज। यू कैन आल्सो यूज द वेर कैर साइज, बट इट इज सजेस्टेड टू यूज द वेर कैर टू, यानी न्यू वर्जन जो है वो वेर कैर टू है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि वेर कैर टू का यूज करें, लेकिन यदि वेर कैर यूज करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा एन वेर कैर टू। एन वेर कैर टू जैसे कि अभी बताया कि ये नेशनल यूनिकोड के लिए यूज होता है, जैसे आपके जो इंडियन कोड है, चाइनीज कोड है, उनके लिए हम एन वेर कैर का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर द यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा विद इन द प्री डिफाइंड लेंथ। लेंथ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वी हैव टू मोस्ट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एन वेर कैर डेटा टाइप, इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 4000 bytes। ये 4000 bytes तक स्टोर कर सकता है ना, और इसमें नेशनल यूनिकोड्स स्टोर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़े हैं, हालांकि हमें ज़्यादा यूज नहीं करने, हमें केवल स्ट्रिंग और वेर कैर टू या वेर कैर का यूज करना है, बाकी का यूज हमें नहीं करना, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जैसे कि आप जानते हैं, यानी जिसमें हम नंबर्स या डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज मार्क्स है, रोल नंबर्स है, तो उसके लिए हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमें मिला है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कोई इंटीजर और फ्लोट अलग अलग डेटा टाइप नहीं दिए गए हैं, केवल नंबर डेटा टाइप दिया गया है, और नंबर डेटा टाइप में दोनों तरह की वैल्यू, यानी इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, दोनों तरह की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, नंबर पी एंड एस। एक्चुअली पी जो है डिफाइन करता है कि जो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी किसी पर्टिकुलर नंबर में, और एस डिफाइन करता है नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी उसमें डेसिमल पॉइंट्स कितने होंगे, है ना। इट कंटेन द प्रिसिशन पी एंड स्केल एस। पी और एस की ये फुल फॉर्म है, प्रिसिशन और स्केल है। द प्रिसिशन पी कैन रेंज फ्रॉम 1 to 38, यानी जो टोटल ना, एंड द स्केल रेंज फ्रॉम द 84 to 128 रेंज होती है, यानी जो टोटल रेंज होगी कैरेक्टर्स की वो 84 से 127 तक होगी, और 1 से 38 तक इसकी प्रिसिशन रेंज होती है ना। तो ये इस रेंज में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं नंबर टाइप में। दूसरा होता है यदि हमें केवल फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करनी है, तब हम फ्लोट भी दिया गया है, फ्लोट यूज करते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था, पहले नहीं था ये डेटा टाइप, लेकिन अब नए वर्जन्स में आ गया है तो मैं बता रहा हूँ।
इट इज द सब टाइप ऑफ द नंबर डेटा टाइप। हाँ, जैसे कि इसने बताया कि ये नंबर का ही डेटा टाइप है, यानी यदि हमें इंटीजर नंबर ही स्टोर करना है, सॉरी फ्लोट नंबर स्टोर करना है, तो हम इस तरीके से डिफाइन, द प्रेसिशन कैन बी रेंज फ्रॉम द 1 to 127। इसमें जो प्रेसिशन की रेंज है वो 1 से लेकर 127 तक रेंज होती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी फ्लोट और बाइनरी डबल। यानी बाइनरी फ्लोट यूज टू बाइनरी प्रेसिशन, यानी 32 बिट बाइनरी नंबर्स के लिए हम बाइनरी फ्लोट का यूज कर सकते हैं। इट रिक्वायर 5 bytes इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ बाइट्स ना। और बाइनरी डबल जो है, इट इज यूज फॉर डबल बाइनरी प्रेसिशन, यानी 64 बिट की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम बाइनरी डबल का यूज करते हैं, और 32 बिट्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम बाइनरी फ्लोट का यूज करते हैं। इट रिक्वायर 9 bytes इंक्लूडिंग लेंथ बाइट्स, यानी बाइट की लेंथ इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं, और जो पहले बताए वो क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप या स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप भी क्या है, डेट। तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप भी यहाँ पे दिया गया है। तो डेट डेटा टाइप, जैसे कि डेट दी गई है इस तरीके से डेट, यदि हमें डेट ऑफ बर्थ, जर्निंग डेट, इस तरह का फील्ड कोई लेना है या टेबल में वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं डेट से। यानी इट इज यूज टू स्टोर द वैलिड डेट टाइम फॉर्मेट इन द फिक्स्ड लेंथ। इट्स रेंज वेरीज फ्रॉम द 1st जनवरी 47 वो 4712 BC टू ना दिसंबर 9999 AD ना। तो इतनी इस रेंज की डेट हम, यानी कोई भी डेट हम वैलिड डेट है इसमें स्टोर कर सकते हैं ना। और जो वैलिड फॉर्मेट होता है वो इसका होता है डेट, जैसे 20 जनवरी 99, तो 20 लिखा जाएगा, JN जनवरी लिखा जाएगा, 1999 इस तरीके से लिखा जाता है वैलिड फॉर्मेट। दूसरा होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प यूज टू स्टोर द वैलिड डेट इन इस तरीके से, यदि हमें फॉर्मेट लेना है, टाइम के साथ डेट लेनी है, तो हम ईयर, मंथ और डेट एंड देन हर, मिनट और सेकेंड फॉर्मेट में, यानी टाइम विद डेट या डेट विद टाइम, यहाँ पे टाइम स्टैम्प से यूज किया जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ डेटा टाइप्स है जो हम डेटाबेस